नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉलरेंस, अलाउंस और क्लियरेंस के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है अलाउंस और क्लियरेंस में क्या डिफरेंस है? अलाउंस और टॉलरेंस में क्या डिफरेंस है? अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं हूं राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस क्या होता है? तो टॉलरेंस को निकालने के लिए सबसे पहले हमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज को निकालना होगा। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या होता है, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। सपोज हमें कोई जो बनाना है, मान लीजिए हमें ये शाफ्ट बनाना है और इस शाफ्ट को बनाने के लिए ड्राइंग में हमें डायमेंशन दिया गया है 50, बेसिक साइज है ये हमारा, और इसमें डेविएशन दिया गया है 0.02, प्लस माइनस में दिया गया है, यानी अपर डेविएशन हमारा क्या होगा प्लस 0.02 और लोअर डेविएशन होगा हमारा माइनस 0.02। तो यहां से हम लोग मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज को निकाल सकते हैं और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज को निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज हमारा क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज हमारा होगा 50.02 और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज हमारा होगा 49.98। क्लियर? अब इससे हम लोग टॉलरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉलरेंस क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तो ये हमारा हो जाएगा 0.04। तो ये हमारा होता है टॉलरेंस। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा टॉलरेंस होता है। क्लियर? तो टॉलरेंस हम लोग किसी एक पार्ट के ऊपर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें अलाउंस निकालना होगा तो हम लोग किसी एक पार्ट के ऊपर नहीं निकाल सकते हैं। अलाउंस कब होता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास दो पार्ट है और दो पार्ट को फिट करना है। सपोज ये हमारे पास एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, हमें इन दोनों पार्ट को फिट करना है। तब क्या होता है, दोनों पार्ट में जो एक्चुअल साइज होता है दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को अलाउंस कहा जाता है। क्लियर? मान लीजिए ये हमारा केप है, ठीक है, ये हमारा केप है, ये हमारा केप है, तो इसका साइज मान लीजिए दिया गया है, इसका साइज मान लीजिए 50 है और ये हमारा मार्कर का ये वाला साइज, ये वाला, ठीक है, ये हमारा मार्कर और ये हमारा केप, मार्कर का केप, तो इसमें मान लीजिए दिया गया 49.98। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा अलाउंस होगा। तो अलाउंस हमारा कितना हो जाएगा, अलाउंस हमारा हो जाएगा 0.02। तो जब हमें अलाउंस निकालना होगा, अलाउंस हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हम लोग दो पार्ट को असेंबल करते हैं, जब हमें दो पार्ट को फिट करना होता है, उन दोनों पार्ट में जो एक्चुअल साइज होता है उस एक्चुअल साइज का जो डिफरेंस होगा वही हमारा अलाउंस कहलाता है। टॉलरेंस हम लोग किसी एक पार्ट पर निकाल सकते हैं, टॉलरेंस हम लोग इसमें भी निकाल सकते हैं और इसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें अलाउंस निकालना होगा तो दो पार्ट को जब हम लोग फिट, हमें जब फिटिंग करना होगा, असेंबल करना होगा, तभी हम लोग अलाउंस निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि क्लियरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलाउंस निकाला, तो अलाउंस आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, अलाउंस हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो अलाउंस अगर हमारा पॉजिटिव में रहेगा तो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्लियरेंस होगा। आप लोगों को पता होगा क्लियरेंस को हम लोग इस तरह से भी जानते थे कि दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में जो गैप होता है वो क्लियरेंस होता है। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा अलाउंस होता है। अगर
अगर पॉजिटिव में रहे, गैप रहे, अगर पॉजिटिव में रहे तो हमारा क्लियरेंस होगा, और अगर गैप ना रहे यानी हमारा जो अलाउंस होगा वो क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे। अगर दो पार्ट्स के बीच में गैप रहता है यानी उसमें पॉजिटिव होगा, अलाउंस पॉजिटिव होगा तो हमारा क्लियरेंस होगा, और अगर हमारा अलाउंस नेगेटिव में होगा तो वो हमारा इंटरफेरेंस होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अलाउंस, क्लियरेंस और टॉलरेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।